मॉर्निंग दोस्तों, मैं हबीब रहमान आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। तो ये है हुंडई i20 और इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा है। ये लगा दिया की, कर दिया ऑन और कोई रिस्पॉन्स नहीं है हॉर्न का। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया हूँ बट ये पहले हम इसका जनरल चेकअप कर लेंगे कि हॉर्न का जो फ्यूज है, रिले है, वो चेक कर लेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इधर पे एयरबैग का सिग्नल ऑन है, उधर में ओबीडी लैंप ऑन है, एयरबैग का सिग्नल ऑन है, ओबीडी लैंप ऑन है और हॉर्न भी नहीं काम कर रहा है, यानी क्लॉक स्प्रिंग खराबी दिख रहा है। यार क्लॉक स्प्रिंग नहीं खराब हो तो कोई भी वायर टूटा हो ऐसा होगा, हमको चेकिंग करना है। कर लिया बोनट ओपन, ये निकल गया है हॉर्न। पहले इसको टेस्ट करते हैं। यह है इसका फ्यूज बॉक्स, लेफ्ट साइड में रहता है बैटरी के तरफ में। ये भी निकल लिया तो इसका हॉर्न रिले ए वाला है और हॉर्न फ्यूज ए वाला नंबर 10 है, तो इस दोनों को चेक कर लेंगे। हॉर्न में से पॉजिटिव कनेक्शन खोल दिया और डायरेक्ट बैटरी से देखेंगे कि चालू है कि नहीं। आप डायरेक्ट तो चालू है, अब इसका फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, ऐसा भी चेक कर सकते हो। हाँ फ्यूज ओके है। अब रिले की बारी है। इसको खोल लिया है रिले। ये है इसका रिले, हॉर्न रिले 4 पिन का रहता है। करंट है कि नहीं? हाँ रिले में है करंट, 2 पिन में करंट है। तो दोस्तों इधर पे सारी के सारी चेक कर लिया है, सारी ओके है। अभी जो चेक करना बाकी है वो है वो स्टीयरिंग का, वो क्लॉक स्प्रिंग है। तो क्लॉक स्प्रिंग के लिए अभी खोलना है ये वाला, और इसके खोलने का तरीका कुछ अलग है। स्टीयरिंग का बिल्कुल नीचे ऐसा एक स्क्रू, एलिंग स्क्रू रहता है, इधर में एक हो और वो बाजू में एक है। ये दोनों खोलने से बाहर निकल जाएगा। ये दोस्तों स्क्रू निकल लिया, एयरबैग रिमूव करना है। अभी एयरबैग भी रिमूव कर लिया, तो ये पिन को हटाना है। ये पिन को ऊपर की तरह खींचो, ऑटोमेटिकली खोल गया। अभी स्टीयरिंग को इधर से रिमूव करना है। ये बोल्ट 19 नंबर बोल्ट है। स्टीयरिंग खोल गया है और ये वाला लॉक खोलना है, ऐसा खोलना है। हमको ये दो कवर खोलना है बट इसमें तो स्क्रू नहीं है, शायद किसी ने खोला होगा और उसका याद नहीं है कि ये स्क्रू लगाना है, फिटेड करना है। तो हमको खोलना है ए वाला क्लॉक स्प्रिंग। हाँ इसको अभी बाहर के तरफ कर लेते हैं, ऐसा ही बस। बाहर के तरफ नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब ए वाला, तो पूरा का पूरा खोलना भी नहीं चाहिए। इसका लॉक ए वाला लॉक एक है, ए वाला लॉक एक है, तो इधर में ए वाला लॉक एक है। इसको खींचना है थोड़ा और बाहर को आ जाएगा। हम बाहर आ गया है तो अभी क्या करना है, दो सॉकेट है इधर पे और दो को रिमूव करना है। हाँ दोस्तों, तो ये पहले से टूट के बाहर आ गया, अंदर से टूटा हुआ था, ये बाहर आ गया। बाहर नहीं आना चाहिए था लेकिन ये बाहर आ गया। नहीं खोलते हैं, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया। ये दो लॉक रहता है अलग अलग, तो ए वाला चेंज करने से हॉर्न सही हो जाएगा।